अंदाज देखिए, इरशाद फरमाया वल असर, रब फरमाता है मुझे जमाने की कसम हो। अल्लाह को भी कसम उठाने की जरूरत है, मालिक करीम को भी क्या हाजत है कि वो कसम उठाए। लेकिन ताकीद करके बात जहन में उतारने के लिए, इंसान का मिजाज होता है ना, जिस बात पे कसम उठाई जाए उसको इंसान समझता है ज़्यादा पक्की है, तो तभी इंसानी के मुताबिक बात की। फरमाया वल असर, जमाने की कसम हो, इंसान को पैदा करने वाला रब कसम उठा के इंसान की एक बात करता है, वल असर मुझे कसम हो जमाने की, इन्नल इंसाना लाफी खुसर, इंसान को पैदा करने वाला रब फरमाता है बेशक इंसान खसारे में, घाटे में, नुकसान में। लोग इसको कह रहे हैं बड़ा सेट है, लोग कह रहे हैं बड़ा कामयाब, ये भी कह रहा है अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन पैदा करने वाला रब, इंसान को बनाने वाला, इसको जानने वाला रब फरमाता है मुझे जमाने की कसम हो ये नुकसान में है। और खसारा, उस खसारे को नहीं कहते हैं कि लोग कहते हैं मैंने कारोबार किया था तो नफा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। खसारा उस खसारे को कहते हैं जो असल माल भी ज़ाया हो जाए, रासुल माल भी ज़ाया हो जाए तो कहते हैं खसारा हुआ है। यानी इसके पास जो था उसमें भी ये खसारे में, क्या या अल्लाह सारे खसारे में? फरमाया नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू, जिनमें चार सिफतें पाई जाएं वो नहीं खसारे में। उनमें पहली सिफत ये है कि इल्लल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, जिनका ईमान मजबूत हो, जिनका अकीदा हो कि अल्लाह हमारा रब है, वही पैदा करने वाला है, वही रिस्क देने वाला है, उसी की तकदीर का गलबा है, रब करीम जर्रे जर्रे को जानता है, अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है यही हाल मेरे लिए बेहतर है, इंसान मेहनत पूरी करे, नतीजा अपने रब पे छोड़ दे, असबाब सारे जमा करे, भरोसा अपने अल्लाह ताला पे करे, अकायद के लिहाज से पुख्ता हो, और फिर उसका अकीदा हो के बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, कायनात में सबसे अरफा वाला, अजमतों वाले, शानों वाले, बुलंदियों वाले, रिफतों वाले, कायनात के इमाम, नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम, फरिश्तों के इमाम, महबूबे मुतलक अगर कोई है तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का धूला हमारा नबी। नज़रियाती पुख्तगी हासिल हो, अकायद पुख्ता हो, ईमान में अकायद पूरी तरह दाखिल हो, अकायद अहले सुन्नत का पाबंद हो बंदा हो। फिर एक और बुनियादी अकीदा है, इसी ज़िमन में सारे अकायद आ जाते हैं, फरिश्तों पर भी ईमान हो, अल्लाह के तमाम अंबिया पर ईमान हो, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान हो, लेकिन एक बुनियादी अकीदा जिसको अकीदा आखरत कहा जाता है, उस पर इंसान का ईमान होना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर आखरत पर ईमान कमज़ोर हो जाए तो दुनिया में जितने भी अमल हम करते हैं ये सारे कमज़ोर हो जाए। ये जो लोग डिप्रेशन में, टेंशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं और एक बात बार बार करते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर बड़ी ही कोशिश के बाद मैं ही नाकाम क्यों रह गया, तो उन्हें बताया जाएगा कि कामयाबी पता क्या है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी वा अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं है, कामयाब वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने असहाबे जन्नत बनाया है। जो जन्नती हैं वो कामयाब हैं, जिसको अपनी आखरत के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फिक्र सलीम दी है, राह हिदायत दी है, अमाले हसना पर इस्तकामत दी, और वो समझता है कि मैं मेहनत अपनी आखरत को ठीक करने के लिए कर रहा हूँ, जिद्दोजहद मेरी अपनी कब्र के लिए, हशर के लिए, आखरत के लिए, आखरत पर जिस बंदे की तवज्जो है वो बंदा कामयाब। इसलिए दुनिया में अगर दुनियावी तौर पर कोई नाकामी आ भी जाए तो कोई इतनी बड़ी नाकामी नहीं है, इसलिए कि असल कामयाबी आखरत की कामयाबी। तो अकायद मजबूत हो और फिर अकायद अहले सुन्नत की पाबंदी उसके पास मौजूद हो, ना रिफ्स की तरफ उसका रुझान हो, ना खारजियत की तरफ उसका रुझान हो,
उसके नज़रिया सुथरे हों, उजले हों, खूबसूरत हों। वो रसूल पाक की ज़ाते गिरामी की पूरी गुलामी करने वाला वो शख्स, तो उसके नज़रियात आला। तो फरमाया कि इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनु, मगर वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए। और यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, दो सिफतें और भी पैदा करें। ये दो बातें उनकी अपनी ज़ात तक थी, आमनु वामिलुस्सालिहात, ये दो बातें उनके अपने लिए थी। अब वो सोसाइटी को क्या दें, दो काम मुआशरे के लिए भी करें। वतवासौ बिलहक, हक बात की नसीहत करें वो मुआशरे, खैर की बात की नसीहत करें, वायरल बातें ना करें। क्या आजकल ये मौजू चल रहा है तो ज़रा मैं इस पर बोलूँगा तो कुछ व्यूज मेरे भी बढ़ जाएंगे। वायरल बातें नहीं करें, वतवासौ बिलहक, वो हक बात की नसीहत करें, कलिमाए हक कहें और हिकमत के साथ कहें। उदउ इला सबील रब्बिक बिलहिकमा, दानाई के साथ कहें, लोगों को समझाने की नीयत से कहें, कलिमा हक उनकी ज़ुबान पर आए। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह के सामने कलिमा हक कहना है। आप हक के साथ खड़े हों, फिर आप लोगों को अमर बिल मारूफ करें, फिर नहीं अनिल मुनकर कहें, और वो भी बंदा देख के नहीं। अगर अमीर आदमी गलती कर रहा है तो फिर आप खामोश है, और किसी गरीब को करते देख लिया है तो आपने दीनी हिकमत को भी पेश नजर नहीं रखा और उसे रुसवाई कर दिया, आपने उसे सख्त तरीन तकलीफ से गुजार दिया है। हक बात की नसीहत करें, और जो लोग हक बात कहते हैं ना उन पर तकलीफ भी आती है, तकलीफ आती ही हमेशा हक कहने वालों पर। तो चूंकि मैदान लगाया है, अब हक में निकले हो, अब तुमने सफर शुरू किया है, तो भाई पैरों पे छाले तो पड़ेंगे, सफर करोगे तो थकावट तो होगी, कोई रास्ता तय करोगे तो गर्द तो पड़ेगी, अगर किसी सिमत तेज दौड़ोगे तो मुखालिफ सिमत से हवा तो तेज आएगी। अब वहां घबराना नहीं, कमजोर नहीं पड़ना, थकी बातें नहीं करनी। अब ऐसा ना हो कि तुमने माजरत खाहाना रवैया इख्तियार किया। वतवासौ बिलहक के, वतवासौ बिसब्र, वो हक बात की वसीयत करते हैं और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। चार सिफात पैदा करें तो खसारे से बच सकते हैं।